टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीज इन 2024। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। भाई पूरी तरीके से 5G मार्केट में आ चुका है और अभी के टाइम पे 4G फोन लेने का कोई भी सेंस बनता है नहीं। अगर आपका बजट 10,000 रुपया भी है तो इस बजट में आपको 5G फोन मिल जाएगा। बट नो डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता ही है कि कौन सा फोन हमें लेना चाहिए, कौन सा फोन बेस्ट फोन है। बट डोंट वरी, इस बजट में आने वाले ढेरों सारे स्मार्टफोन में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्मार्टफोन को अपनी लिस्ट में मैंने रखा है जो कि बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, जिसमें इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ सही मिलेगा। खैर, अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं और आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो मैंने लिस्ट के 5वें नंबर पे रखा है Redmi की तरफ से आने वाले Redmi 13C 5G। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 10,000 के आसपास में आराम से मिल जाएगा और 10,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से ही। तो दोस्तों, इसमें 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 600 nits का पीक ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले सही मिलेगा, रिफ्रेश रेट भी ठीक है, ब्राइटनेस ऐसा है कि इससे काम चल सकता है। बट हाँ, ये डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा यूजलेस कैमरा समझ सकते हैं और सेल्फी कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो प्राइमरी कैमरा ठीक है, बाकी का कैमरा से उतना उम्मीद मत कीजिएगा। तो अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा। 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और 375,000 के आसपास AnTuTu स्कोर है। स्कोर तो ठीक ही है एंड प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा। हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोसेसर काफी बढ़िया मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। 18W का चार्जर मिलना 10,000 वाले फोन में एक नॉर्मल सी बात है और 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप तो मिलेगा ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 192 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1mm का थिकनेस है। तो काफी स्लिम एंड लाइट वेट सा फोन है। डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत भी लगता है। पर्सनली इस फोन का लुक डिजाइन मुझे काफी पसंद आया। इसमें 3.5mm वाला जैक तो मिलेगा ही, हाइब्रिड स्लॉट भी मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है। फिर अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस, इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 4128 वाले वेरिएंट का प्राइस Flipkart पर फिलहाल के टाइम पे 10,499 रुपया है, यानी कि 10,500 रुपया इस फोन का प्राइस है। वैसे अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर वगैरह लगाकर खरीदेंगे तो ये फोन आपको 10,000 के अंडर में ही मिल जाएगा और वैसे भी 10,000 के आसपास में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर, अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस, लिस्ट के 4th नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme C65 5G। गाइस, ये फोन हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है। अगर आपको 10,000 के बजट में कोई लेटेस्ट बढ़िया 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। वैसे ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है, आइए देखते हैं। तो इसमें 6.67 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा जो की पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा और 625 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। तो डिस्प्ले ठीक ही है बट रिफ्रेश रेट एंड ब्राइटनेस वगैरह काफी तगड़ा लेवल का है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के पीछे के साइड 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में सैमसंग JN वाला सेंसर लगा हुआ है एंड 1.8 का अपर्चर भी है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। प्राइमरी कैमरा बढ़िया मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वो डिसेंट है। खैर, अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 वाला प्रोसेसर मिलेगा और 4,30,000 के आसपास AnTuTu स्कोर भी है। भाई प्रोसेसर जो है ना पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 15W का चार्जर को। भाई देखिए, 15W का चार्जर मिल रहा है तो चार्जिंग में तो टाइम लेगा ही, नो डाउट, बट एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। तो रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 2TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है।
190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 7.89 mm का थिकनेस है। तो वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है, डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। और बाकी बात बिल्ड क्वालिटी वगैरह डिसेंट है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप दो सिम या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5 mm वाला जैक मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UI 5.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस यानी कि 464 वाले वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 10,500 रुपया है। तो 10,000 के आसपास में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस लिस्ट के थर्ड नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटोरोला G34 5G। गाइस अगर आपको 10,000 के बजट में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला एक अच्छा बढ़िया पावरफुल फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। और इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है आइए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक साइड इस फोन का इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 8 mm का थिकनेस है एंड 180 ग्राम इस फोन का वेट है। तो काफी स्लिम एंड लाइट कह सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक भी है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। इसमें हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा और ये फोन IP52 रेटिंग के साथ आता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 14 पर। अच्छी बात यह है कि इसमें 1 ईयर का मेजर अपडेट भी मिल जाएगा और 3 ईयर तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी मिलेगा। खैर अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 500 निट्स का ब्राइटनेस भी है। 10-11 हजार वाले फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। ब्राइटनेस तो ज्यादा नहीं है बट हाँ इतना एनफ है, काम चल सकता है। डिस्प्ले सही मिलेगा बट ध्यान रहे ये डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले ही है। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। प्राइमरी कैमरा बेटर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वो भी सही है। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि ये प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है और लगभग 420,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट गाइस प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। एक टाइम था ये प्रोसेसर 18,000-20,000 वाले फोन में मिला करता था बट यहाँ पे 10-11 हजार वाले फोन में मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, प्रोसेसर काफी बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का टॉप वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 12,000 रुपया है। इस फोन का बेस वेरिएंट भी आता है जिसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया है। तो दोस्तों 10-11 हजार के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो अपने लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M6 Pro 5G। गाइस अगर आपको अभी के टाइम पे 10,000 के आसपास में एक अच्छा बढ़िया पावरफुल 5G फोन चाहिए या फिर एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये दोनों कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड 10,000 के बजट के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर्स काफी लाजवाब का मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है आइए देखते हैं। तो इसमें 6.79 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। 550 निट्स का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो 10,000 के बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा एंड रिफ्रेश रेट वगैरह भी सही है। और बात रहा ब्राइटनेस का तो ब्राइटनेस ऐसा है कि इससे काम चल सकता है। खैर अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। बाकी का कैमरा डिसेंट है बट खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। खैर प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 4nm पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 4.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। गाइस इसमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप भी मिलेगा। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। खैर अब बैटरी की बात करेंगे तो इस
जिसमें 5000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जर को। इस बजट के फोन में 18 वाट का चार्जर मिलना एक नॉर्मल सी बात है और गाइस 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप भी सही मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा भी सकते हैं। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड वो ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 199 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी बढ़िया मिलेगा। इसमें 3.5 mm वाला जैक तो मिलेगा, हाइब्रिड स्लॉट भी है, मतलब आप 2 SIM या फिर 1 SIM एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि Android 13 पर बेस्ड है और इसमें IP53 का रेटिंग भी मिलेगा। खैर आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस ये फोन 3 वेरिएंट में आता है। 4128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 9500 रुपया देना होगा फ्लिपकार्ट पर। 6128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 10000 रुपया देना होगा और 8256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 15000 रुपया देना होगा। तो ज्यादा पैसा इस फोन में लगाकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। 10000 तक में ये फोन अगर आपको मिल रहा है तो काफी बढ़िया होगा। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो गाइस इस बजट में नंबर 1 बेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। फिलहाल के टाइम पे ये फोन आपको 10000 के अंडर में ही मिल जाएगा। अगर आपको 10000 के अंडर में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए या फिर सैमसंग का ही कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो ये दोनों कंडीशन पे ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड गाइस 10000 के बजट के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स काफी लाजवाब का मिलेगा। तो ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह के साथ आता है आइए देखते हैं। तो हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ ये फोन भी आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 206 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 9.4 mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा जरूर कहेंगे, डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। फिर भी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह डिसेंट है। इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा, 3.5 mm वाला जैक भी है। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन वन वाई कोर 5.1 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉप नोच के साथ आता है। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। भाई 10000 के बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले काफी लाजवाब का मिलेगा एंड रिफ्रेश रेट वगैरह सही है। इसके अलावा कैमरा की बात करेंगे तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा वो 50MP का है, सेकेंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2 MP का है जो कि मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा वो 13 MP का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। अगर आपको 10000 के बजट में एक अच्छा बढ़िया कैमरा वाला फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि गाइस कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा और सैमसंग कैमरा वगैरह के लिए जाना ही जाता है। खैर अब प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें एक्जिनोस 1330 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5nm पर बना हुआ है और लगभग 400000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। 10000 के बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर काफी पावरफुल एंड काफी बढ़िया मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 25W का चार्जर को। नो डाउट ये बैटरी आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। गाइस ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस Amazon पर फिलहाल के टाइम पे 9500 रुपया है। तो गाइस 10000 के अंडर में यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने 10000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।